नमस्कार, भक्ति की मस्ती चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है नवरात्रि। नवरात्रि को वर्ष में दो बार मनाया जाता है, जिसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होने के कारण नव दुर्गा और नौ दिन में पूजन होने से इन्हें नवरात्रि कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे नवरात्रि का महत्व, पूजा विधि, पूजा की सामग्री और 2020 में नवरात्रि कब से कब तक मनाए जा रहे हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही धार्मिक जानकारी आपको मिलती रहे। इस बार पितृपक्ष की समाप्ति 17 सितंबर 2020 को हो रही है और इसके ठीक एक महीने बाद 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हिंदू महीनों के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि होते हैं, जो कि इस बार 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मनाए जा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय पूर्वी राज्यों में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, जो कि षष्ठी से प्रारंभ होकर दशहरा अर्थात विजयदशमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में 9 दिन तक दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जप, तप, ध्यान किया जाता है। कुछ लोग रात्रि को जागरण करते हैं, कहीं ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, कहीं गरबा और डांडिया किया जाता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में माता की पूजा व व्रत कर आप माँ को प्रसन्न कर अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, घर में एक नई ऊर्जा का प्रचार होता है और वातावरण पवित्र हो जाता है। आइए जानते हैं किस तरह पूजा करके आप भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा के भक्त स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहन पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें और मंडप को फूलों से सजाएं। मूर्ति के दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी का निवास होता है। कलश के मध्य में माता का निवास होता है। कलश स्थापना के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जो आप एक दिन पहले एकत्रित करके रख सकते हैं। ये सामग्री है गंगा जल, पीतल, तांबे या मिट्टी का कलश, पानी वाला नारियल, मोली, रोली, घी का दीपक, धूप बत्ती, साबुत सुपारी, साबुत चावल, नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी, कुछ सिक्के, कलश ढकने के लिए ढक्कन, जो आम के पत्ते, पूजन पात्र, आरती, फूल। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि, लेकिन इससे पहले इसका शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2020 को प्रातः काल 6:27 से 10:13 तक है। घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त प्रातः काल 11:44 से 12:29 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की विधि। माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर जहाँ कलश स्थापित करना है, वहाँ चावल की ढेरी बनाकर उसे जमा दें। फिर कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश पर मोली बांधकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, बाकी साफ पानी से कलश को भर दें। कलश में थोड़े से चावल, साबुत सुपारी और 2-4 दुर्वा घास और कुछ सिक्के डाल दें और चारों ओर आम के पत्ते लगा दें। फिर ढक्कन से कलश को ढक दें। ढक्कन पर भी स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल रख दें। नारियल पर लाल रंग की चुनरी लपेटकर तिलक करें और स्वास्तिक बनाएं। अब नारियल को कलश के ऊपर रख दें। नारियल का मुख अपनी ओर रखें। कलश के सामने
मिट्टी और बालू रेत मिलाकर जो बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करनी चाहिए। पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके सभी देवी देवताओं की पूजा करें, तत्पश्चात माँ जगदम्बा का पूजन करें। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजन आरंभ करें। बिना टीका लगाए पूजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। श्री दुर्गा माता की प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी शरणागत दीनारते परित्राण परायणे सर्वस्यार्ती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे करुणामयी जगत जननी आनंद व्यसनी मयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दे, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। दुर्गे स्मृता हर्षि पीतम शेषण जतो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार द्रचिता। अर्थात हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित से चिंतन करने पर परम कल्याण में वृद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। नव दुर्गा की प्रार्थना के पश्चात कवच का पाठ किया जाता है। इसके बाद अर्गला और कीलक स्त्रोत का पाठ और फिर रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। इतना करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ जो कि 13 अध्याय में वर्णित है, इस पाठ को 9 दिनों में करते हैं। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।